नमस्कार दोस्तों, मैं शाहना परवीन हाजिर हूँ आपके सामने किस्सों की पोटली के अंतर्गत एक नई रचना लेकर। सुनते हैं आज की रचना। यह रचना हमें भेजी है आदरणीय प्रिया श्रीवास्तव जी ने कोलकाता से। शीर्षक है त्रिशंकु। बचपन से एक अजीब सी आदत लगी परिस्थिति के साथ बदल जाने की। ये आदत नहीं बीमारी कह सकते हैं। जरूरत पड़ा तो पुआल जला के रोटियां सेकी और वक्त पड़ने पर गैस हीटर और अवन भी जलाया। शुरुआत में ही ठूस दिया गया था दिमाग में, पानी की तरह बनो, जहां जाओ वहीं के हो जाओ, या फिर जीप की तरह कटो पिटो मरो पर विरोध मत करो। जुबान ही है जो पान भी खिलावे है और जुबान ही है जो, आप समझ गए होंगे, जुबान तो कड़वी ही है पर दिल बेचारा पानी बना रहा। खैर, बचपन से हवा के रुख में बहती गई। ग्रेजुएशन में फिजिक्स की जगह साइकोलॉजी में नाम आया था, लोगों ने कहा अच्छा विषय है। बैंकिंग की तैयारी के साथ एमबीए कर लिया, बैंक की जगह टाटा मोटर्स में नौकरी कर ली और फिर शादी भी। मजाक का पात्र बनी रही पर किसको समझाऊं कि कोई उचित सलाह देने वाला नहीं मिला। जो भी मिला रास्ता बदलवाने वाला मिला। एक उलझे हुए बच्चे को ऐसे सलाहकार मिलते हैं कि पूछे मत। एक सबसे आसान रास्ता, प्रतियोगिता की तैयारी कर लो, बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं, मतलब एक किताब और एक कोचिंग, फिर आप पढ़कर बैंक, रेलवे, एसएससी, नेट सेट, यहाँ तक कि कलेक्टर भी बन सकते हैं। अच्छी बच्ची की तरह किस्मत का हर फैसला मान लेने से कहाँ किसी का भला होता है। सुबह 5 बजे उठकर 3 घंटे कोचिंग, पढ़ने के बाद फिर 10 से 6 बजे शाम तक की नौकरी और फिर रात का खाना बनवा कर उम्मीद की गई कि हम बैंक पीओ या आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। धत, ऐसा होता है कहीं? सबको खुश रखने वाला खुद कभी खुश नहीं रहता। अब भी कुछ खास नहीं बदला। सोने के पिंजरे में बंद होकर चूल्हा चौका बाल बच्चे बड़े बुजुर्गों को संभालने के बाद हम चाहें तो 1 या 2 घंटे में नौकरी पढ़ाई लिखाई घुमाई जो चाहे घर की 4 दीवारी में बैठे बैठे कर लें। पूरी छूट है, मतलब घर का काम भी खत्म होता है क्या? खैर, ये सब तो हम स्त्रियों के बहाने हैं काम से जी चुराने के। जिंदगी में कुछ करना हो तो सबसे पहले विरोध करना सीखिए, वरना समय के अनुसार बदलने वाला त्रिशंकु बनकर रह जाता है, मतलब ना इधर के ना उधर के। कोई भी व्यक्ति एक वक्त में एक ही काम ठीक से कर पाएगा? बार बार रास्ता बदलने से ना तो मंजिल मिलती है और ना ही ढंग का तजुर्बा। मध्यम वर्ग के बच्चों की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि वो ग्रेजुएशन, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी और 5000 वाली नौकरी एक साथ करते हैं और होता कुछ नहीं। आप खुद तय कीजिए कि क्या करना है। अगर कुछ समझ न आए तो दूसरों को भी राय मत दीजिए। सलाह विद्वानों से ली जाती है क्योंकि वो तब तक नहीं बोलते जब तक उचित ना हो। भटकने से मंजिल मिलती होगी पर कितनों की उम्र बीत जाती है। आशा करते हैं आपको किस्सों की पोटली से यह रचना पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपका हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सवाल या फिर सुझाव है, या आप हमारे इस कार्यक्रम में और भी कुछ देखना और सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।